हाय दोस्तों, आज नो द फ्यूचर लेके लिए आपके लिए एक और फार्मेसी वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर ऑन द माउंट ऑफ अपोलो के ऊपर। तो माउंट ऑफ अपोलो इज आल्सो नोन एज माउंट ऑफ द सन। तो दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। रिंग फिंगर के नीचे है लोकेटेड द माउंट ऑफ अपोलो। ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस एबिलिटी और ऑल्सो स्टारडम, फेम, एक्टिंग एबिलिटी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। ओवरऑल आर्ट क्रिटिक्स का भी अपोलो माउंट बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिशियंस का भी अपोलो माउंट बहुत अच्छा होता है। जो भी शोबे में आपने लाइक आगे आना होता है, अपना फेस करना होता है, वो अपोलो से रिप्रेजेंट होता है। स्पेशली अगर आपकी अपोलो फिंगर लंबी हो तो आप इन फील्ड्स में काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं। तो जब स्क्वायर यहाँ होता है तो दो इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा, पहले आपने देखा यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेशन बन रही है। अच्छा, तो फिर ये सबसे इसका पहला मतलब कि डीफेमेशन और इन फेमस होने से ये आपको बचाता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई स्कैंडल चलता है तो आपका नाम बिगाड़ देता है। तो ये उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को लेसन करता है, या ये आपको उससे लाइक लिटरली बचाता है, जैसे स्कैंडल पेपर में, और फिर एक साल के बाद आपका सही हो जाता है। दूसरा है कि जो अपोलो माउंट है वो रिप्रेजेंट करता है आग को, फायर को। तो कोई भी बर्निंग से, कोई भी फायर रिलेटेड एक्सीडेंट से भी आपको बचाता है। तो इसकी और भी वेरिएशंस है कि अच्छा, अब आप सोचें ये आपकी सन लाइन जा रही है यहाँ से, तो फिर सन लाइन मतलब के है अपोलो पे एंड होती है और फिर यहाँ पे स्क्वायर। तो अगेन ये प्रिजर्वेशन दिखाती है कि मतलब कि आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, आपकी जो रेपुटेशन है वो इंटैक्ट है। ठीक है, इसके और भी वेरिएशन हैं, जैसे अपोलो लाइन है, यहाँ गैप है, तो गैप में स्क्वायर फॉर्मेशन है, फिर ये कंटिन्यू हो रही है एंड तक। तो ये देखें, गैप था तो जब गैप होता है तो जो आपका फेम और पैसा होता है फ्रॉम फेम वो कम होता है, बट जब गैप में स्क्वायर होता है जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, तो ये उससे बचाता है आपको डिफेमेशन से। मैं कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये लाइन हो और फिर मतलब कि यहाँ से शुरू हो रही मॉडल से और यहाँ पे गैप हो, तो ये डिफेमेशन होता है। फिर जब स्क्वायर होता है, यहाँ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो ये आपको प्रिजर्व करता है फ्रॉम लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फेम एंड लॉस ऑफ मनी फ्रॉम क्या कहते हैं, कोई भी मतलब कि डिफेमेशन आपको हो, कोई भी स्कैंडल, कोई भी लाइबल, ऐसी चीज। इसका एक और वेरिएशन है कि ये माउंट पे है, तो आप टाइम भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है तो ये 60 पे आपको बचाता है, फिर अगर यहाँ पे है और ये गैप है इतना बड़ा अगर यहाँ पे, तो ये आपको बचाएगा काफ़ी देर तक, ये बचाएगा 36 to 55 तक आपको, या 36 मतलब वही 36 to 50 तक आपकी रेपुटेशन इंटैक्ट रखेगा। एक और इसका है कि यहाँ से शुरू हो रही है और फिर हेडलाइन के ऊपर ही स्क्वायर फॉर्मेशन है, तो 36 to 40 तक, फिर 42 के बाद आपकी रेपुटेशन फिर से सही हो गया। तो जहाँ भी स्क्वायर बनता ना, मतलब आप सन लाइन के साथ टाइम कर सकते, जैसे अगेन ये जा रहा है तो फिर ये 36 पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन बन रही है, फिर कंटिन्यू लाइन है 42, 36 to 40 में आपको डिफॉर्मेशन मिली है। तो बात है कि अपोलो लाइन के साथ आप टाइम कर सकते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यह है कि टाइम करना शायद मुश्किल होएगा कि कब होती है ये डिफेमेशन, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है, ये हमको प्रिजर्व करता है फ्रॉम फायर अटैक्स एंड फ्रॉम डिफेमेशन। जो भी नेगेटिव जो अपोलो माउंट के ग्रेटेस्ट हैं उनसे बचाता है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन टू हैव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे।